तो चलिए बाइक को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं साउंड कैसा आ रहा है। तो गाइज ये जो स्प्लेंडर आप देख रहे हो, बस हेडलाइट ही नहीं चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रो शिफ्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट फेमस बाइक जो कि रहने वाली है हीरो की स्प्लेंडर। और स्प्लेंडर जो है अपने टाइम से काफ़ी अपग्रेड करते जा रहा है साल भर साल, और फिट एंड फिनिश जो क्वालिटी है जो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्प्लेंडर की एक्सटेक 2.0 के बारे में। इस हेडलाइट में LED हेडलाइट सेटअप नहीं देखने मिल जाता, तो हीरो ने उसको सुना है और फाइनली अब हीरो की स्प्लेंडर प्लस में आपको अब LED हेडलाइट सेटअप आपको देखने मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसमें टोटल 20 बदलाव हुए हैं, वो क्या क्या हुए हैं वो आपको वीडियो में देखने मिल जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मेरे सामने आप देख रहे हो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0, इसमें आप लोगों को बस हेडलाइट ही चेंज नहीं हुआ, काफ़ी कुछ चेंजेस देखने मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट में हेडलाइट जो है वो आपका पूरा चेंज हो चुका है, LED इधर आपको DRL देखने मिल जाता है, हाई बीम लो बीम दोनों LED रहने वाला है। साथ ही साथ आपको अब इसमें इंडिकेटर जो है वो डिज़ाइन चेंज कर दिया गया, और इसमें अब हज़ार लाइट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप हज़ार लाइट कुछ इस टाइप से जलते दिखेगा आपको। और इधर बात करें तो मिरर जो है, मिरर का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो पहले जो था वो क्वालिटी जो था शाइनिंग में नहीं, वो मैट ब्लैक में आता था, बट अब इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है। इधर आपको जो है स्विच क्वालिटी वगैरह सारा कुछ जो है इम्प्रूव मिलेगा, देख सकते हो आप। यहाँ पर पासिंग लाइट है, ये हाई बीम लो बीम के लिए, ये हज़ार लाइट के लिए हो गया, ये इंडिकेटर, ये हॉर्न, और ये आपका A3 टेक्नोलॉजी जो आता है वो दिया गया है। यहाँ पर जो है सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। तो की आपको इसमें कुछ सेम पहले जैसा ही देखने मिल जाता है। और अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले अब आने में लगा है देखने के लिए, और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ देखने मिल जाएगा, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट सारा कुछ देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपका USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यहाँ से आप फ़ोन वगैरह जो है अपना चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें अब हैंडल में क्लिप ऑन दे दिया गया है ताकि स्टेबिलिटी जो है वो अच्छा ग्रिपिंग के साथ पकड़ बनाए रखे। यहाँ पे ये सब लाइट का इंडिकेटर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर फ्यूल लाइट का है, न्यूट्रल है, इंजन लाइट है, यही सारा सब कुछ है। और यहाँ पे आपको जो है फ्यूल गेज दिया गया है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे कितना बाइक चली है वो सब सारा कुछ आपको डिटेल देखने मिल जाता है इसमें। तो टायर साइज़ की बात करें तो आपको इसमें MRF का टायर देखने मिल जाता है, उसका टायर साइज़ रहने वाला है 80x100x18 का टायर रहने वाला है। और इसमें आपको जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है देखने के लिए, यहाँ आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है मड गार्ड पे। और यहाँ पे जो है आपका जो ये देख रहे हो ये क्रोम से जो ये नया आने वाला देखने के लिए मिलेगा, और ये टोटल जो कलर है वो आपका नया कलर है। और सीट का आप देखोगे तो कलर का थोड़ा सा चेंज रहेगा, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ग्रे टाइप का दिया गया। पीछे के टायर भी आपको MRF का देखने मिल जाता है, जो कि टायर साइज़ रहने वाला है 80x100x18 का टायर साइज़ आपको देखने मिलता है। टायर का डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हो, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी इससे आप कर चाहो तो कर सकते हो, ग्रिपिंग अच्छा मिलने वाला। अब इधर इंजन की बात करें तो इंजन आपको सेम देखने मिल जाता है, यहाँ आपको ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है देखना, खास करके मेरे को ये फेवरेट मेरा कलर है। यहाँ पे जो है हीरो का 3D लोगो बैजिंग दिया गया है, यहाँ पे एस्टेक की बैजिंग के साथ स्प्लेंडर प्लस 2.0 ये करता था। अब इसमें जो है आपको चैन गार्ड जो है वो फाइबर का आता है, पहले इसमें मेटल का आता था, अब इसको चेंज कर दिया गया ताकि साउंड जो है चैन का वो कम हो सके। और इधर आपका साड़ी गार्ड वगैरह लगने के लिए आ जाता है। पीछे से आप बात करें तो पीछे से आपका डिज़ाइन सेम रहने वाला, बट यहाँ पे चेंजेस आपको देखने मिल जाएगा, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे H डिज़ाइन का आपको बैकलाइट देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी सुंदर और पहले से ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे आप नंबर प्लेट वगैरह सारा कुछ का दिया गया है। इधर बात करें तो साइलेंसर का डिज़ाइन को भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइलेंसर का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुका है पहले से। और किक इसमें आपको अभी भी किक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें किक हटाया गया है, यहाँ पे आप ब्रेकिंग वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे टूल बॉक्स के लिए स्पेस दिया गया है आपका। तो चलिए बाइक को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं साउंड कैसा आ रहा है। तो साउंड आपको कुछ इस टाइप से सुनने मिल जाएगा इसका, आप देख सकते हो साउंड आपको सेम रहने वाला, थोड़ा बहुत आप ये बोल सकते हो डिफरेंस हुआ है साउंड में।
कलर की बात करें फिलहाल जो है अभी आपको ग्रे और ब्लैक में ही कलर देखने मिल जाता है। और तो बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,00,373 रुपया पटना बिहार में आपको कॉस्ट करेगा। अगर आपको किसी भी हीरो की बाइक का डिटेल्स जानकारी चाहिए हो या प्राइस रिगार्डिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, तो आप जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।